हेलो दोस्तों, और मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि क्या कहते हैं, लौकी हम बनाते हैं तो बहुत देर तक गलती नहीं है। तो लौकी ना गलने का कारण मुझे नहीं पता उनका क्या कारण है, बाकी मैं अपना तरीका बता सकती हूँ कि क्यों नहीं गलती है। मैंने सबसे पहले ले लिया है तेल, उसके बाद आप ले सकते हैं सरसों या जीरा, जो भी आप डालते हैं। तो मैंने डाल दिया है, हमारे यहाँ जखिया बोलते हैं, मैंने वो डाल दिया है तड़के के लिए। उसके बाद डाल दी मैंने उसमें लौकी। लौकी डालने के बाद उसमें आपने उसके बाद क्या करना है, आपने उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, और कोई मसाले नहीं डालने हैं, टमाटर कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और उसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। जितना भी स्वाद अनुसार आप नमक डालते हैं उतना डाल के उसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। ढकने के बाद जब वो ढकने के बाद जो ढक्कन हटाएंगे आप, जो थोड़ी देर तक पकेगा, उसके बाद जब आप देखेंगे कि आपकी लौकी धीरे धीरे थोड़ी कटने लगी है कुछ इस तरीके से, तब आप इसमें थोड़ा सा हल्का की कटे लगेगी तो इसके साथ आप एक दो टमाटर जो भी है आप डाल लेंगे। और टमाटर डालते ही आप साथ में थोड़ा मसाला डाल लीजिए। मैं दो टमाटर डाल दूँगी, मसाला डाल दूँगी और थोड़ा पानी डाल दूँगी। उसके बाद जो इसकी ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगी। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सारे मसाले, थोड़ा पानी डाल दिया है और मेरी लौकी तैयार हो चुकी है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिया। ठीक है दोस्तों, और कोई रेसिपी मैं आपको धीरे धीरे कभी कभी वीडियो में डालती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।